नमस्कार साथियों, काफी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। ठीक है, अपन यहाँ पर आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन चर्चा करेंगे वो टॉपिक रहेगा संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश यानी कि गोहिल सिसोदिया वंश, जो कि आप समझ चुके होंगे अपन मेवाड़ की बात कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री हो चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की हिस्ट्री राजस्थान लेवल के कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान लेवल का हो, चाहे आरटीसी करवाती हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड करवाती हो, राजस्थान लेवल के एग्जाम में राजस्थान जीके आते हैं। तो राजस्थान जीके का ये जो लेवल है वो अपन रीड से लेकर आरएस तक का अपन जो लेवल है वो करेंगे। आज अपन मेवाड़ के ऊपर इतनी जीरो से लेकर डीप भी तक जाएंगे जिससे कि आपका रीट लेवल और आरएस लेवल तक क्लियर हो सके। जो दायरा है इस दायरे को अपन पूरा क्लियर करेंगे। क्लियर, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो पटवार का लेवल है वो आरएस लेवल के बराबर ही है, और जो रीट और राजस्थान पुलिस और महिला सुपरवाइजर का ये जो लेवल है वो लेवल थोड़ा लो लेवल आता है, उसके अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अपन अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ ये भी चर्चा करेंगे कि राजस्थान पुलिस लेवल के अंदर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और पटवार और आरएस के अंदर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, मेवाड़ संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश है, यहाँ पर जो गोहिल है और सिसोदिया वंश। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोहिल वंश ने शासन किया है, गोहिल वंश ने यहाँ पर शासन किया है। क्या गोहिल वंश ने केवल मेवाड़ पर ही शासन किया है? नहीं, गोहिल वंश ने यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के ऊपर भी शासन किया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों रियासतों के ऊपर जिसने शासन किया वो गोहिल वंशी है। लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यहाँ की जो शासक है वो अपने नाम के आगे महारावल की उपाधि लगाते हैं, जबकि मेवाड़ यानी कि उदयपुर के जो शासक है वो अपने नाम के आगे महाराणा या रावल की उपाधि लगाते हैं। ठीक, अपने यहाँ पर मेवाड़ को कुछ इस तरीके से करेंगे जो बाकी से थोड़ा हटकर करेंगे। अपन यहाँ पर सबसे पहले मेवाड़ की स्थिति बताएंगे, उसके बाद मेवाड़ का झंडा है, उसके बाद मेवाड़ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मेवाड़ की तत्काल उत्पत्ति के स्रोत करेंगे, यहाँ की राजधानियां करेंगे, यहाँ की भौगोलिक स्थिति यानी कि भूगोल के बारे में ज्योग्राफिकल स्थिति भी जानेंगे। यहाँ पर मुख्य नदी जो कि बनास नदी है, जिसको अपन मेवाड़ की गंगा भी कहते हैं, उस बनास नदी के ऊपर भी अपन काफी सारे डिटेल के अंदर करेंगे, क्योंकि आरएस के अंदर बनास नदी के ऊपर से यहाँ से हिस्ट्रिकल पोर्शन से बनास नदी के ऊपर से काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, और हो सकता है पटवार के अंदर पिछली बार नहीं है इस बार आए। तो राजस्थान पुलिस और पटवार लेवल की अपन यहाँ पर तैयारी, उस लेवल की अपन यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेवल के ऊपर तो अपन जान ले। तो बनास नदी जो कि मेवाड़ की गंगा भी उसको अपन कहते हैं, तो बनास नदी इम्पोर्टेंट है। यहाँ के संत और सांप्रदायिक कौन कौन से हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, राजस्थान लेवल का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। हर एग्जाम के अंदर सभ्यता से एक या दो क्वेश्चन आने नेसेसरी है, यानी कि आते हैं, पक्के आते हैं। तो सभ्यता के ऊपर यहाँ पर अपन काफी अच्छी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ की खास तौर पर जो मेवाड़ की सभ्यता है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद मेवाड़ के अंदर आने जो प्रमुख दुर्ग है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यहाँ की जिले हैं, यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे यहाँ पर चर्चा, मैंने कहा गोहिल वंश उदयपुर यानी कि मेवाड़ के ऊपर ही शासन नहीं किया, इसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के ऊपर भी शासन किया है, लेकिन वहां के शासक अपने नाम के आगे महाराव की उपाधि धारण करते हैं, और मेवाड़ के शासक अपने नाम के आगे राणा और रावण के उपाधि धारण करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है महिला सुपरवाइजर के अंदर किसी पेपर के अंदर, के उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा
के गुहिल वंश के अंदर मुख्य अंतर क्या है। ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, इन क्वेश्चनों का ट्रेंड बदल गया है, तो ट्रेंड को अपन यहाँ पर धारण करना पड़ेगा, हमको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, या नहीं हम अपने ट्रेंड से चलेंगे और वो अपने ट्रेंड से, तो हमको उनके सिमिलर चलना पड़ेगा, समकालीन चलना पड़ेगा ट्रेंड के साथ, ठीक है। तो देखो अपन मेवाड़ की बात करें तो यहाँ मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो एरिया है, इसके अंदर का चार जिले आपको पता है आते हैं, चार जिले आते हैं, अभी अपन उनकी जिलों की स्थिति बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेवाड़ क्षेत्र की क्या स्थिति रही इसके ऊपर अपन जा रहे हैं। प्राचीन बात करते हैं मेवाड़ की, उसके बाद अभी आज की लेटेस्ट बात भी कर रहे हैं।